हेलो बच्चों, आज हम आपके एसएसटी का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत और सिविलाइजेशन होती है सभ्यता। ठीक है, जैसे कि भाई जो भी लोग आए होंगे जब दुनिया में, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना कि कैसे शुरुआत में अर्थ बनी, उस पे पैंथलासा पेंजिया आए, फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस में कन्वर्ट हुए, अब लैंड पे क्या हुआ, इंसान आया। तो फिर इंसान के बाद सिविलाइजेशन कैसे आई, सभ्यता कैसे आई, वो इंसान ने खाना पीना कैसे शुरू किया, कपड़े पहनने लगा, क्योंकि पहले जो प्रिमिटिव मैन होते थे ना, आदि मानव लोग, वो कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे। फिर उन्होंने क्या करा, पत्ते बांधना शुरू किए। पहले लोग कच्चा मांस खाते थे, फिर उन्होंने पका हुआ मांस खाना शुरू किया। तो ये सब क्या होता है, सिविलाइज्ड, यानी कि इंसान जो होता है सिविलाइज्ड हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे हुआ। फर्स्ट फार्मर, कि भाई पहला किसान कैसे बना। आइस एज केम टू एन एंड, कि जो बर्फ का युग था, पहले क्या था, चारों तरफ आइस आइस हुआ करती थी। ठीक है, तो आइस एज का जो था एंड आने लगा विद द मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस क्या हो गई, मेल्ट होने लगी, यानी पिघलने लगी। मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वर फिल्ड विद वॉटर, तो वर्ल्ड का जो बहुत सारा हिस्सा था वो पानी से भर गया। सून आफ्टर पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड लर्न फॉर्मली हंटर्स एंड फूड गैदरिंग्स, फिर धीरे धीरे इंसान ने क्या करा, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल यानी कि जानवरों को पालना शुरू किया, एंड लर्न फॉर्मली हंटर्स और थोड़ा बहुत शिकार करना शुरू किया, एंड फूड गैदरिंग्स और खाने को इकट्ठा, गैदर मतलब इकट्ठा करना शुरू किया। ह्यूमन केम टू अंडरस्टैंड दैट सीड सोज इन वेट लैंड टर्न इन टू फर्टाइल क्रॉप इन सम मंथ्स। अब इंसान को ये पता चल गया था कि अगर गीली जमीन होती है ना, अगर हम उसमें बीज को डाल देंगे तो वो क्या होगा, कुछ मंथ के बाद फर्टाइल क्रॉप बन जाएगी, यानी कि वो उपजाऊ और उसमें कन्वर्ट हो जाएगी हमारी फसल में। दे कलेक्टेड द सीड्स ऑफ वीट एंड बार्ले, उन्होंने कौन कौन से जो हमारे सीड्स से कलेक्ट किए, देखो सबसे पहले कौन से सीड्स कलेक्ट कर रहा है, वो वीट और बार्ले के। एंड फार्मिंग स्टार्टेड, और क्या हुआ, खेती शुरू कर दी। दिस एरिया इज टर्की जॉर्डन एंड इराक एट प्रेजेंट, ये जो एरिया ना जहाँ पे उन्होंने ये काम शुरू किया सीड्स वगैरह का इकट्ठा करना, तो ये कहाँ के एरिया की बात हो रही है, टर्की जॉर्डन की है, और जिसको हम आज इराक के नाम से जानते हैं। टू मेक अ चपाती फर्स्ट वीट वॉज ग्राइंडेड ऑन द स्टोन, देखो जो हमारे क्या होता है, अब हमारे पास जो आटा आता है, गेहूं को पीसते हैं, आटे में कन्वर्ट होता है, आटे से हम रोटी बनाते हैं। तो पहली बार जो हमारा आटा पीसा गया था ना, वो पत्थर से पीसा गया था, यानी पत्थर से उन्होंने कुचला होगा गेहूं को अच्छी तरह से, और वो आटे में कन्वर्ट किया होगा, उसके बाद उसकी चपाती बनाई होगी। फार्मर्स लर्न टू डोमेस्टिकेट शेप गॉट एंड पिग, शुरुआत में फार्मर ने कौन कौन से जानवरों को पालना शुरू किया था, शिप को, गोट को और पिग को। डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर वॉज मीन्ट फॉर देम नॉट टू वॉन्डर हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, तो जो एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई, यानी कि जब उन्होंने खेती शुरू कर दी ना, तो उससे क्या फायदा हुआ, वॉन्डर मतलब होता है इधर उधर घूमना, अब उनका इधर उधर घूमना, भटकना बंद हो गया। जो पहले वो क्या करते थे, खाने के लिए इधर से उधर घूमते थे, कि भाई जहाँ खाना मिलता वहां रुक जाते थे, फिर आगे चले जाते, लेकिन जब उन्होंने खेती शुरू कर दी यानी कि एग्रीकल्चर शुरू किया, तो अब उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं थी। मैन स्टार्टेड टू लिव एट वन प्लेस एंड मेक परमानेंट हाउसेस, अब आदमी जो था या इंसान था वो एक ही जगह पर रहने लगा, और उसने अपने वहां पर क्या करे, परमानेंट हाउसेस भी बना लिए। अर्लियर फार्मर लर्न टू मेक टूल्स ऑफ मेटल्स एंड वेपन्स ऑफ कॉपर, अब इंसान ने क्या शुरू किया, अर्ली फार्मर यानी शुरू का जो किसान था, उसने औजार बनाए जो कि मेटल के थे, और हथियार बनाए जो कॉपर के थे। औजार और हथियार में क्या फर्क, औजार वो थे जो खेती वगैरह करने में काम आते थे, और हथियार वो थे जो शिकार में काम आते थे। फर्स्ट अर्बनाइजेशन, अब पहली अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर मैन सेटल डाउन एट वन प्लेस एंड स्टार्टेड लिविंग परमानेंटली, अब क्या हुआ था, जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर की डिस्कवरी की यानी कि खेती की खोज की, तो अब उन्होंने क्या किया, एक जगह रहना शुरू कर दिया और अपने परमानेंट हाउसेस भी बना लिए। विलेजेस स्टेडिली एंड स्लोली डेवलप्ड इन अर्बन, और जो गांव वाले एरिया थे वो धीरे धीरे से क्या होने लगे, वो शहरों में डेवलप होने लगे।
when slowly number of persons living in these places and colonies increased, धीरे धीरे जो इन areas में इन colonies में लोग रहते थे वो क्या होने लगे, बढ़ने लगे. Roads and clean water disposable methods were evaluated. Road बन गए. Water disposable method means जैसे हमारा जो घर का पानी है वो नालियों के through कहाँ जाता है, बड़े बड़े नालों में जाने लगा. ठीक है, तो इस तरह से शिवरेज सिस्टम इन्होंने शुरू किया. शॉप्स केम अप फॉर ट्रेडिंग अमंग कॉलोनीज, दुकानें खोलने लगी व्यापार के लिए, यानी चीजें खरीदने बेचने के लिए कॉलोनीज में दुकानें भी आ गई. अर्बन सेंटर ऑल्सो केम अपिंग एरियाज वेयर इन टर्की, इराक एंड जॉर्डन आर देयर. अब जो शहर बने थे उनमें क्या हो गया, सेंटर्स भी खुलने लगे इन एरियाज में. वो कौन कौन से एरिया है, क्योंकि शुरुआत इन्होंने टर्की, इराक, जॉर्डन इन एरियाज के बारे में बताई है. अब फर्स्ट सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे, पहले सभ्यता कैसे आई. मैन हैड प्लेंटी ऑफ वीट विच वॉज सफिशियंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब जब खेती शुरू की थी ना इन्होंने, तो हमारे यहाँ पे इतना अनाज होने लग गया था, इतना वीट हो गया था गेहूं, कि बहुत सारे लोग आराम से बैठ के उसको खा सकते थे, सबके लिए सफिशियंट होने लगा था, यानी पर्याप्त. देयर वॉज नो नीड फॉर एवरी पर्सन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. अब ऐसा नहीं था कि हर इंसान को एग्रीकल्चर की जरूरत है. शुरू में क्या होता था, 10 लोग है ना घर के 10 खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और अनाज आता था. अब ऐसे जरूरत नहीं थी, अब चाहे घर के 2 लोग भी काम कर लेंगे तो सफिशियंट 10 के बराबर वो खेती कर सकते थे. सम पीपल बिकम क्राफ्टमैन. क्राफ्टमैन का मीनिंग क्या होता है, क्राफ्टमैन होता है जो हाथों से काम करते हैं. जैसे बहुत सारी चीजें क्या होती है, मशीनों से बनती है, तो उन्होंने हाथों से शुरू किया. जैसे हाथों से पहले कपड़ा बुना जाता था, और कुछ लोग ड्राइंग वगैरह भी करते थे, शिल्पकारी करते थे, है ना. और जैसे पॉट वगैरह बनाते हैं, मटके वगैरह, तो सब कुछ ये काम शुरू करे लोगों ने. एज दे मेड अर्थन यूटेंसिल्स, आगे ना मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, इन विच फार्मर्स कुड स्टोर वाटर एंड वीट. और जिसकी वजह से क्या करते थे किसान, उसके अंदर जो अनाज उगाते हैं उसको स्टोर कर लेते थे और पानी को भी स्टोर करते थे. ठीक है, गेहूं भर भर के रख लेते थे, उनके पानी भर के रखते थे, जैसे मटके होते हैं. दे ऑल्सो मेड ब्यूटिफुल ज्वेलरीज एंड वेरियस मटीरियल्स आउट ऑफ वुड. अब वो लकड़ी से क्या करने लगे, ज्वेलरीज बनाने लगे, अलग अलग तरीके के मटेरियल यूज कर करके, है ना. आयरन स्मिथ मेड टूल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ फार्मर्स. आयरन स्मिथ होते हैं लोहार, जो लोहे का काम करते हैं. उन्होंने क्या किया, टूल्स, औजार बनाए, जो कि किसानों की हेल्प करते थे फार्मिंग वगैरह के लिए. दे ऑल्सो मेड वेपन्स, उन्होंने वेपन्स यानी हथियार भी बनाए. दे टुक वीट इन एक्सचेंज. अब वो क्या करते थे, इसके बदले में वीट का एक्सचेंज करते थे. तो पहले क्या होता था, मनी नहीं थे, पैसा नहीं होता था, तो लोग अलग अलग काम करने लगे. तो मान लो मैंने वीट की काम किया, आपने किया वेपन्स का काम या फिर टूल्स का, तो मुझे टूल की जरूरत होती थी, मैं आपसे टूल लेती थी, बदले में आपको वेपन दे देती थी. किसी के यहाँ पे मान लो गाय पाली हुई है, उससे मुझे मिल्क की जरूरत है, मैं उनको क्या करूंगी, वीट दे दूंगी, उनसे मिल्क ले लूंगी. तो इस तरह से एक्सचेंज चलता था पहले. ऑल दीज पीपल लिव इन कोऑपरेटिव मैनर. तो सब कैसे रहते थे, एक साथ रहा करते थे, एक दूसरे की मदद करते हुए. That's why they need rule for plant living. इसलिए उनको किसकी जरूरत हुई, rules, नियम वगैरह की जरूरत हुई, अच्छी तरह से planning के साथ रहने के लिए. These were the first which evolved in Asia and Africa. यही पहली वो थी जो कहाँ पे evolve हुई, Asia और Africa में. देखते हैं question answer क्या है. Agriculture started in Western Asia. वो बेटा शुरू में वो बात हुई थी, but agriculture की शुरुआत हमने कहाँ से करी है, Asia और Africa से. ठीक है, फॉर मेकिंग फर्स्ट चपाती वीट वॉज इन, वीट को कैसे ग्रेंड किया गया था, स्टोन से क्या किया गया था, ग्रेंड किया गया था. ये क्या लिख रखा है, गलत लिख रखा है, इसका आंसर आएगा ग्रेंड फ्रॉम स्टोन. ये यहाँ पर है ना लाइन, ग्रेंड ऑन द स्टोन, ये वाली ग्रेंड ऑन द स्टोन, ये लिखा जाएगा यहाँ. फर्स्ट फार्मर्स लर्न मेकिंग ऑफ टूल्स ऑफ मेटल्स एंड वेपन्स ऑफ कॉपर. हमने पढ़ा था ना पहले टूल्स किस चीज के बनाए थे, अर्ली फार्मर ने मेटल्स के और कॉपर के वेपन्स बनाए थे, टूल्स उसने मेटल के बनाए थे, यही वाला है. डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर लीड्स ह्यूमन बीइंग टू लीव परमानेंटली वन प्लेस. एग्रीकल्चर के डिस्कवरी से क्या फायदा हुआ, अब जो मैन था या ह्यूमन था वो परमानेंटली वन प्लेस पे रह सकता था. These made tools according to the suitable of farmer. Suitability के according किसने tools बनाए थे, Iron Smith ने.
अब फर्स्ट सिविलाइजेशन सुमेर सिविलाइजेशन की बात करेंगे हम। आउट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन वन ऑफ द सिविलाइजेशन इज ऑफ मेसोपोटामिया इन इराक विच वॉज ऑन बिटवीन फर्टाइल लैंड ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स। ठीक है, अब पहली सिविलाइजेशन जो आई है जो मेसोपोटामिया के इराक में है, इराक में एक जगह का नाम है मेसोपोटामिया, ठीक है, वहां की है, जो फर्टाइल लैंड ऑफ टिग्रिस, टिग्रिस की फर्टाइल लैंड और यूफ्रेट्स की रिवर, इसके बीच में पाई गई। जो बेटा देखो, जितनी भी आप सिविलाइजेशन की बात करोगे ना, वो किसी ना किसी नदी के किनारे होगी, यानी कि किसी ना किसी रिवर के बैंक पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि कुछ भी काम हम करें, चाहे हम खेती यानी एग्रीकल्चर करें, चाहे हम कहीं पर रहें, खाना बनाएं, कुछ भी काम करें, हमें वाटर की नीड होती है। तो पहले ऐसा तो होता नहीं था कि भाई पानी ले लेके इंसान जाएगा, क्योंकि उन्होंने पॉट बनाना भी शुरू ही किया था। तो क्या करते थे, जो भी सिविलाइजेशन होती थी ना, वो नदी के किनारे बनाते थे। वहां से क्या होता था, पानी जो होता है वो खेती के लिए मिल जाता है, एग्रीकल्चर के लिए वो भी ईजी हो जाता है, और हमें पीने के लिए अदर वर्क के लिए भी पानी इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, यूफ्रेट्स रिवर के नियर पाई गई थी सुमेर सिविलाइजेशन। और आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। पीपल लिविंग हियर आर कॉल्ड सुमेरियन। जो सुमेर सिविलाइजेशन के पास थे उनको सुमेरियन कहा गया। देवर लिविंग इन सुमेर सिटी। ये लोग कहाँ रहते थे, सुमेर सिटी में रहते थे। द वेदर ऑफ सुमेर वॉज हॉट एंड ड्राई। जो सुमेर का वेदर था बहुत गर्म था और सूखा हुआ था। येट लैंड वॉज फर्टाइल। लेकिन वहां की जो जमीन थी ना, वो फर्टाइल यानी उपजाऊ थी, एंड बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, और वो खेती के लिए बिल्कुल ठीक थी, यानी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी थी। वेरी सून फार्मर लर्न द इरीगेशन थ्रू कैनाल्स। उन्होंने क्या करा, खेतों में जो पानी ऐसे टनल्स ही बनाई और उसमें पानी वगैरह देना, सिंचाई वगैरह करना शुरू कर दिया। दे मेड स्मॉल कैनल्स इन ईच ऑफ द फील्ड। उन्होंने खेतों के बीच में क्या करे, छोटी छोटी कैनल्स बना दी। मैनी अ थिंग्स विच ऑल फॉर्म्स टू यूज टूडे वर डिस्कवर्ड अप्रोक्स 5000 ईयर अगो बाय सुमेरियन पीपल। के भी जो आज भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा ना, खेतों में क्या करते हैं, क्यारी सी बना देते हैं पतली पतली, उनमें पानी छोड़ देते हैं ट्यूबवेल का, वो अपने आप खेतों में पानी पहुंच जाता है। तो ये सोचो, जो आज भी काम होता है, ये कम से कम 5000 साल पहले सुमेरियन पीपल ने इसकी शुरुआत कर दी थी। सुमेरियन पीपल डिस्कवर्ड फर्स्ट कैलेंडर। अब देखते देखो, सुमेरियन ने सबसे पहले क्या क्या ढूंढा है, क्या क्या डिस्कवर किया है। फर्स्ट कैलेंडर, नंबर सिस्टम, फर्स्ट स्क्रिप्ट एंड स्टार्टेड फर्स्ट स्कूल्स। पॉटर्स व्हील वॉज फर्स्ट यूज इन अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट बाय अ सुमेरियन पीपल। और उन्होंने मिट्टी के क्या बनाए थे, जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे ना, उसका जो चक्कर होता है, पॉटर्स व्हील आपने देखा होगा, वो ऐसे मटके को ऐसे शेप देते रहते हैं और वो चक्री घूमती रहती है, उसको पॉटर्स व्हील बोला गया है। वो भी यूज किया गया था एक व्हीकल में, पहिए की तरह सुमेरियन पीपल ने ट्रांसपोर्ट में यूज किया। ठीक है, सुमेरियन मेटल स्मिथ प्रोड्यूस्ड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग टिन एंड कॉपर। सुमेरियन का जो मेटल स्मिथ थे, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, ब्रॉन्ज नाम की एक मेटल का यूज किया, जो किसकी मिक्सिंग से बनी थी, टिन एंड कॉपर, यानी कि टिन और कॉपर के मेटल को अगर हम मिक्स कर देते थे तो ब्रॉन्ज बन जाती थी। दे स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ रूल फॉर देयर पीपल। उन्होंने वहां के लोगों के लिए भी क्या किया, नियम बनाए कुछ, कि भाई किस तरह लोग रहेंगे। सुमेरियन वर गुड मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर्स। वो क्या करते थे, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी करते थे सुमेरियन पीपल, और एस्ट्रोलॉजर्स भी थे, यानी भविष्यवाणी वगैरह भी करते थे। देवर फर्स्ट ह्यूमन हू डिस्कवर्ड एन आर इंटू 60 मिनट। उन्होंने ही डिस्कवर किया था कि भाई एक आर में 60 मिनट्स होते हैं। हम बोलते ना, ये वन आर में कितने मिनट, 60, देन वन मिनट में 60 सेकेंड, ये भी सुमेरियंस ने ही डिस्कवर किया। सुमेरियन सिविलाइजेशन केम टू ऑन एंड ड्यू टू वॉर। लेकिन सुमेर सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई, वॉर की वजह से, बट इवॉल्व इन इंडिया, इजिप्ट एंड चाइना। ठीक है, और इंडिया, इजिप्ट और चाइना में भी ये चीजें आ गई। लाइक सुमेरियन सिविलाइजेशन, दी सिविलाइजेशन ऑल्सो इवॉल्व नियर द बैंक ऑफ रिवर। कुछ और सिविलाइजेशन की बात है जो इंडिया, इजिप्ट और चाइना की है, वो भी कहां से शुरू हुई थी, नियर द रिवर, और मैंने बताई दिया रिवर के नियर क्यों होती थी। इजिप्टियन सिविलाइजेशन इवॉल्व इन नाइल रिवर। अब देखो, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो कौन सी रिवर के नियर है हमारी, वेरी गुड, नाइल रिवर के। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम तो सुना होगा, वो इंडस रिवर के, यानी सिंधु नदी के।
और शांग सिविलाइजेशन जो है जो कि चाइना में है वो है येलो रिवर के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ है? नाइल रिवर के नियर। हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस रिवर के। सांग सिविलाइजेशन ऑफ चाइना येलो रिवर के। फिलिप्स हैं इसमें। सुमेरियन वर लिविंग इन द सिटी ऑफ सुमेर। सुमेरियन कौन से सिटी में रहते थे? सुमेर सिटी में। सुमेरियन वर फर्स्ट, सुमेरियन ने क्या क्या बनाया? फर्स्ट कैलेंडर, टू शिफ्ट नंबर सिस्टम, फर्स्ट स्केट एंड फर्स्ट स्कूल टू डेवलप। सुमेरियन मेटल स्मिथ मेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेड डैश बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन से क्या बनाया उन्होंने? ब्रोंज बनाया। ठीक है, मेटल स्मिथ प्रोड्यूस ब्रोंज एंड मिक्सिंग टिन। ठीक है, सुमेरियन वर गुड डैश एंड डैश। किस चीज में वो गुड थे? गुड मैथमेटिशियन थे और गुड एस्ट्रोलॉजर्स थे। अब आती है भाई इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात, जो कौन सी रिवर के किनारे है? नाइल रिवर के बैंक पर। इजिप्शियन वर वॉज डिपेंडेंट ऑन नाइल फॉर वाटर और फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एंड फॉर इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए और पीने के लिए कौन से वाटर पे वो थे? तो नाइल रिवर का वाटर यूज करते थे। नाइल गॉट फ्लॉडेड एवरी ईयर, पूरे साल बहती है ये नदी। फर्टाइल लैंड डिपोजिटेड ऑन द बैंक बाय द फ्लोडिंग। अब वो जो पानी आता है ना नाइल का, तो अपने साथ में फर्टाइल मिट्टी लेकर आता है, सॉइल लाता है। तो वो क्या होता है, रिवर होते हैं ना, रिवर के बैंक पे ऐसे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, वो मिट्टी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, उसमें खेती अच्छे से होती है। फार्मर स्टार्टेड ग्रोइंग वीट एंड बार्ली फॉर ब्रेड एंड बियर। उन्होंने क्या क्या शुरू किया? वीट यानी गेहूं और बार्ले उगाए उन्होंने भी। किस चीज के लिए? ब्रेड यानी रोटी के लिए, और बियर यानी कि जो बियर पीते हैं उसके लिए। तो बियर कैसे बनती थी? जैसे कि बार्ले यानी कि वो होते हैं ना, जौ होता है, उसके जो बाल बाल से रह जाते हैं, ठीक है, जौ को तो वो यूज कर रहे थे खाने पीने में, उस बालों को वो पानी में भिगो के रखते थे, उसको सड़ा देते थे, उससे बियर बनाते थे। और फ्लेक्स फॉर कॉटन, फ्लेक्स का यूज किया कॉटन के लिए। कॉटन किस लिए यूज हुआ? क्लोथ के लिए। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल, और फ्रूट और वेजिटेबल भी लेकर आइए। ये कौन है? इजिप्टियन। दे स्टार्टेड रियरिंग कैटल एंड शिप। अब उन्होंने कैटल जो होते हैं यानी कि जानवरों को पालना शुरू किया, शीप यानी भेड़ों को। एज सेटलमेंट इंक्रीज्ड इन नंबर्स, जैसे जैसे सेटलमेंट बढ़ने लगी, उनकी गिनती बढ़ने लगी, दी सेटलमेंट टुक द शेप ऑफ अ किंगडम विच हैड किंग। अब इन्होंने एक साम्राज्य बना लिया, किंगडम बना लिया, जिसका एक राजा भी बना दिया, इन्होंने किंग भी बना दिया। एंशियंट इजिप्शियन बिल्ड लार्ज म्यूजियम फॉर देयर किंग्स कॉल्ड पिरामिड्स। जो एंशियंट इजिप्ट होते हैं ना, वो क्या बनाते? पिरामिड्स बनाते। पिरामिड्स ऐसे होते हैं, इसमें क्या होता है, कोई मर जाता है ना, उन्हें नीचे दफना देते हैं और उसके ऊपर इस शेप में, पिरामिड्स की शेप में ये बना देते हैं, इन्हें पिरामिड कहते हैं। दीज पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। ये लोग सोचते थे कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है, यानी कि जब इंसान मर जाता है ना, तो वो दूसरा जन्म ले लेता है। दे यूज टू प्लेस डिफरेंट थिंग्स नेसेसरी फॉर नेक्स्ट लाइफ अलॉन्ग विद डेड बॉडी ऑफ द किंग इन द म्यूजियम। थ्रू आउट दीज थिंग साइंटिस्ट आर एबल टू नो अबाउट द सिविलाइजेशन डेटिंग बैक टू द थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। अब वो क्या सोचते थे कि मरने के बाद दूसरा जीवन होता है, तो उसके साथ में ना उनको सामान की जरूरत होती कि भाई दूसरा जन्म होगा तो उसको खाने पीने की चीजें भी चाहिए, उसको ज्वेलरी भी चाहिए। तो ये क्या करते थे, जब कोई मर जाता था ना, उसकी डेड बॉडी के साथ में ना जो उसकी नेसेसरी चीजें होती थी वो उन्हें रख देते थे। और हमें कैसे पता चला कि भाई वो कितने साल पहले की बात है? तो साइंटिस्ट ने क्या करा, उन चीजों को देख के पता लगाया कि चीजें कितनी पुरानी है, और उसी से हम लोगों को भी पता लगा कि सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। नेक्स्ट सिविलाइजेशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कौन सी नदी के किनारे है? इंडस के। अबाउट 5000 ईयर अगो एट द टाइम ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। पहले ये इंडिया में ही थी, इंडस रिवर, अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व, यहाँ से कौन सी सिविलाइजेशन आई? हड़प्पा सिविलाइजेशन। इट इज मोर डेवलप्ड देन द इजिप्शियन एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये इजिप्ट की सिविलाइजेशन और सुमेरियन से काफी ज्यादा डेवलप्ड थी। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एंड लोथल सिटीज वर वेरी विग। आपने मोहनजोदाड़ो मूवी भी देखी होगी, वो इसी सिविलाइजेशन के, लोथल गुजरात में। ये सारी जो बड़ी बड़ी जगहें थी, यहाँ पे सिविलाइजेशन आई। इन मोहनजोदाड़ो मोर देन 40,000 पीपल वर लिव्ड। जो मोहनजोदाड़ो नाम से जो हमारी ये सिविलाइजेशन थी, उसमें कितने लोग रहा करते थे? 40,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। ईच अर्बन सेंटर हैड अ
ग्रुप ऑफ इम्पॉर्टेंट हाउसेस, उन्होंने एक काफी अच्छे नियम बनाए हुए थे, अर्बन सेंटर बनाया था, ठीक है। उसमें क्या थे, बहुत इम्पॉर्टेंट जितने भी हाउसेस होते हैं वो थे ऑन द टॉप ऑफ द हिल, और ये क्या था, पहाड़ी के टॉप पर था। देयर वर टेम्पल, मंदिर थे, पब्लिक बाथ था, एंड वेयर हाउसेस फॉर कैरियल, कैरियल के लिए भी वेयर हाउसेस भी थे।